नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई पूरे देश भर में देखी जा रही है। इंडिया यहां पर अपना संयोजक चुन रहा है और देश के पीएम चेहरे के रूप में किसी को उतारने के लिए जद्दोजहद में लगा हुआ है। वहीं एनडीए यहां पर अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है और एक तरीके से इंडिया गठबंधन पर कई हमले करती हुई दिखाई दी। लेकिन जहां लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए में दिखाई दे रही है, तो वहीं एक और लड़ाई सिर्फ इंडिया में नजर आ रही है, जहां पर देखने को मिल रहा है कि यहां पर सभी विपक्षी पार्टियों का गठबंधन तो है, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं ऐसी परेशानियां जरूर आ गई हैं, जहां पर यही इंडिया अब टूटने की कगार पर पहुंच सकता है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी और लालू की मटन पार्टी के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने आरजेडी चीफ पर निशाना साधा है। जेडीयू विधायक ने कहा, लालू प्रसाद यादव सठिया गए हैं। मंडल ने ये भी कह दिया है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। आपको बता दें कि गोपाल मंडल ने कहा, किसी के कहने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। लालू यादव हमारे पुराने नेता हैं, पिछड़ों के मसीहा हैं। हम लोगों के उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अब उनकी उम्र हो गई है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, थोड़ा उनका दिमाग सठिया गया है। गोपाल मंडल ने कहा है कि ये नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी योग्य नहीं है, उनके कुल खानदान से प्रधानमंत्री बनते आए हैं। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से उन्होंने हमला बोला, उन्होंने कहा कि लालू यादव के कहने से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। जेडीयू विधायक के बयान का वीडियो यहाँ पर वायरल हो गया है और एक तरीके से ये देखा जा रहा है कि जहाँ अभी लड़ाई यहाँ पर इंडिया वर्सेस एनडीए में देखने को मिल रही थी, वहीं पर अब लड़ाई आरजेडी वर्सेस जेडीयू में ही देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से और जिसका असर यहाँ पर इंडिया गठबंधन पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या इसका पलटवार किया जाएगा। जहां नीतीश कुमार अपने आप को प्रधानमंत्री बनने से दूर रखते हुए नजर आते हैं, वहीं उनकी पार्टी यहां पर ये दावा करते हुए दिखाई दे रही है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या कुछ बड़ा फैसला इंडिया की तरफ से लिया जाता है।